कुंभ राशि, बहुत बड़ी ठोकर लगने वाली है, आपके अपने ही पराये बन जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। 22 मई का आपका कुंभ राशिफल कैसा रहेगा आज इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। जो लोग आजकल अपने प्यार को पाने के लिए उनके पीछे भाग रहे हैं, उन्हें अपने प्यार के तरफ से हाँ मिल सकती है। जिन लोगों का विवाह हुआ है और अपने वैवाहिक जीवन में हर वक्त कलह पैदा होती है, तो वे भी अब खत्म होने वाली हैं। आप अपने कामकाज में बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं, आप अपनी योजनाओं को सही रूप दे सकते हैं। पारिवारिक आर्थिक स्थिति में अद्भुत सुधार भी देखने को मिल सकता है। धनराशि फल के बारे में जानते हैं। अपनी मेहनत और अलौकिक शक्ति का सही प्रयोग करके आप धन और भौतिक सुरक्षा के मामले में समृद्ध होंगे। दिनचर्या में बदलाव करके आप अपने कर्तव्य का भली भांति से पालन कर सकते हैं। धन संबंधित जोखिम से बचेगा, क्योंकि ऋण लेना आपके लिए हानिकारक होगा। आप अनुभव करेंगे कि आपको अपने करियर पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपने परिश्रम से भी अधिक अच्छा परिणाम मिलेगा। गलतियों से बचे, क्योंकि वे आपके कार्य नौकरी को खतरे में डाल सकते हैं। लव राशि फल की बात करें तो दुश्मन या विवाद आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं, लेकिन आपकी लव लाइफ आपको निराश नहीं करेगी। प्यार के इन पलों से आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सातवें आसमान पर हैं। मेहनत का फल मिलेगा, किंतु किसी विश्वसनीय व्यक्ति से धोखा भी मिल सकता है। आपके हिस्से में एक मिश्रित प्रणाम वाला दिन है, जिसमें आपको सफलता के साथ साथ असफलता का भी सामना करना पड़ सकता है। जो इन खट्टे मीठे क्षणों में एक समान रहे, वही सफलता का पात्र है। सामान्य राशिफल की बात करें तो आपके मन में कुछ नया और अलग करने की इच्छा तीव्र होगी। आप पहले उन कामों को निपटा ले जिन्हें आप पहले से करते आ रहे हैं। जो कार्य आप अधूरे छोड़ेंगे, उन्हें करने के बाद में आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आपके द्वारा लिए गए अधिकतर फैसले सही होंगे। व्यापार में प्रगति की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है। किसी काम से धन लाभ की स्थिति लगातार बनी हुई है। आपको किसी भी प्रकार के विवादों में उलझने से खुद को बचाए रखना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कौन से बातों का ध्यान आपको रखना है उसके बारे में। जो भी काम अपने हाथ में ले, उन्हें सोच समझ कर लीजिएगा। उन कामों में सफलता की उम्मीद कुछ कम है। आपकी महत्वाकांक्षाएं आप पर हावी होने की कोशिश कर सकती हैं। इस स्थिति से बचने का प्रयास आपको करना होगा। आप बहुत अधिक सक्रिय रहेंगे, दिन भर भागदौड़ बनी रहेगी। व्यापार में किए गए कुछ सौदे और अनुबंध आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। करियर राशिफल की बात करें तो आप अपनी जिम्मेदारियों और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, क्योंकि कभी कभी आपका ध्यान भटक जाता है। आप ध्यान तो केंद्रित करेंगे ही, साथ में अपनी प्राथमिकताएं भी तय कर सकेंगे। इस समय का उपयोग अपने उन अधूरे कामों को पूरा करने में करें जो कि काफी समय से अधूरे पड़े हैं। इस अच्छे समय का भरपूर भी लाभ उठाएगा। आखिर में बात करते हैं आपका स्वास्थ्य राशि पर कैसा रहेगा उसके बारे में। आपका व्यायाम करने का मन है, पर आप फिर से पहले वाले इस रास्ते पर आ जाएंगे। अब वह समय आ गया है जब आपको वापिस उसी आकार में आना होगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से कुंभ राशि फल आपके लिए रहने वाला है। अब बात करते हैं कि शनि की साढ़े साती का इन लोगों पर नहीं होता बुरा असर। तो चलिए जानते हैं वो कौन से लोग हैं जिनके ऊपर शनि की साढ़े साती का बुरा असर नहीं होता, समझाते हैं विस्तार से। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह न्याय का कारक माना जाता है। अक्सर लोग शनिदेव का नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं, परंतु आपको शनिदेव से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति अनुचित कार्य करता है उनको शनिदेव दंड देते हैं, परंतु अच्छे काम करने वाले लोगों के ऊपर इनकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की दशा खराब है, तो इसके कारण व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत सी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। परंतु कुंडली के दशा के अनुसार कुछ लोगों के लिए शनि की साढ़े साती शुभ भी मानी जाती है। जिन लोगों के ऊपर शनि की साढ़े साती है, उनके भी शुभ फल मिलता है। आज हम आपको शनि देवता किस प्रकार न्याय करते हैं और कैसे लोगों पर शनि की साढ़े साती का असर नहीं होता, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं।
उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर कोई परेशानी आपको बार बार सता रही है, उसका अगर हल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और कुंडली के आधार पर जानना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर कॉल करें अथवा व्हाट्सएप मैसेज करें, हमारे तरफ से रिप्लाई झट से मिल जाएगा और आपके सभी प्रॉब्लम परेशानियों का समाधान भी किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि शनिदेव की कृपा कौन से लोगों पर बनी हुई रहती है, उसके बारे में जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो लोग अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से कामयाबी हासिल करते हैं, जो लोग आत्मनिर्भर होते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहती है। बहुत बार ऐसा होता है कि घर परिवार भरा होने के बावजूद भी व्यक्ति अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा बताया गया है कि शनिदेव इन लोगों को हर प्रकार के भ्रम से दूर रखना चाहते हैं ताकि हर रिश्ते की सच्चाई को ठीक प्रकार से समझ पाएं। जो लोग लालच, छल, कपट आदि जैसे चीज़ों को पसंद नहीं करते उनके ऊपर शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहती है। जो लोग न्याय और सच का साथ देते हैं उनके ऊपर भी शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के ऊपर शनि की कृपा दृष्टि रहती है तो अक्सर 35 वर्ष या फिर उसके बाद ही व्यक्ति को अपने जीवन में कामयाबी मिलती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि शनिदेव किस तरह के लोगों को दंड देते हैं, उसके बारे में जानते हैं। शनिदेव उन्हीं लोगों को दंड देते हैं जो अपनी माता पिता का सम्मान नहीं करते, उनको ऊंच नीच की तरह बातें करते हैं, तो उन लोगों को शनिदेव दंड देते हैं। जो लोग हमेशा अनुचित कार्य की तरफ रहते हैं उनको भी शनिदेव दंड का सामना उनको भी जो कि शनिदेव का दंड का सामना करना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर शनिदेव का आशीर्वाद है तो किसी भी मुसीबत या सिवियर समस्या में फंसने के बावजूद भी व्यक्ति आसानी से बाहर निकल जाता है। अगर इन लोगों के ऊपर शनि की साढ़े साथी या फिर ढहिया का प्रभाव है तो भी इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो लोग हनुमान जी की पूजा भक्ति करते हैं उन लोगों से शनिदेव हमेशा प्रसन्न रहते हैं। हनुमान जी की आराधना करने वाले लोगों के ऊपर शनि का बुरा प्रभाव नहीं रहता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर शनिदेव का बुरा प्रभाव है तो हनुमान जी की पूजा करने से शनि का बुरा प्रभाव कम हो जाता है। हनुमान जी की कृपा से व्यक्ति को प्रायश्चित करने का एक अवसर मिल जाता है। अगर आप शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने कर्म सदैव उचित रखेगा। अगर आपके कर्म उचित है तो शनि का बुरा प्रभाव होने के बावजूद भी आपको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी। तो दोस्तों कुछ इस तरह से शनिदेव का जो कि दंड देने का सिद्धांत और कुछ ऐसे बातें भी बताई है जिससे कि शनिदेव उनको कभी भी दंड नहीं देते। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह राशिफल के रिलेटेड वीडियोस और आध्यात्मिक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।